तो दोस्तों आप लोग प्लांट तो लगा लेते हैं, पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन और हेयर के लिए भी, जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारे हेयर और स्किन के लिए। तो आज मैं उन्हीं टॉप 3 या 4 प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी जिनका आप यूज करके अपनी स्किन और हेयर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम मिलाते हैं उन कुछ प्लांट के साथ जो बहुत ही अच्छे होते हैं और आपके गार्डन में ही मौजूद होते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले नंबर पे आता है हमारा तुलसी का पौधा जो कि सभी के घर में मौजूद होता है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे एक्ने, झाइयाँ और ब्लैक हेड्स जो होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। दोस्तों आप इनकी पूजा तो करते ही ऑलरेडी, तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो जिसकी पूजा करते हैं वो प्लांट को यूज़ मत करिए, एक और प्लांट लगा लीजिए, इनके शीट से ही ग्रो कर लीजिए या फिर दूसरा प्लांट को ख़रीद लीजिए, दूसरा प्लांट लगाइए और उसे आप चाहे तो काढ़े में यूज़ कर सकते हैं या फिर स्किन रिलेटेड कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका पूजा का प्लांट एक अलग हो जाता है और यूज़ करने के लिए एक अलग हो जाता है। तो आप इसे स्किन पे एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो ये प्लांट था हमारा पहले नंबर पे और ये शायद आप सभी के घर में होगा, नहीं है तो ऐड कर लीजिए, अगर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोमल का गार्डन में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनका यूज़ आप अपने स्किन और हेयर के लिए कर सकते हैं। आपके गार्डन में वो प्लांट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे पर शायद आपको वो ना पता हो और उनके, या पता हो तो उनके फ़ायदे ना पता हो, तो मैं आज उन्हीं से रूबरू आपको करवाऊँगी। तो दोस्तों ये प्लांट्स अगर नहीं हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कौन कौन से पौधे हैं वो। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारा कड़ी पत्ता जिसे हम मीठी नीम भी कहते हैं। ये हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन विटामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों को मजबूत तो बनाते हैं साथ ही साथ लंबा घना भी बनाते हैं। और अगर आपके साथ इस, अगर आपको दोस्तों डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा हेयर मास्क भी होता है, आप इसे हेयर ऑयल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्लांट्स मैं आपके साथ जो अभी शेयर करूँगा ना उन्हीं से आप इसका हेयर ऑयल भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है, ये बालों को मजबूत, अगर आपके बाल सफ़ेद भी होना है ना तो ये उसको काला करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है जो कि बहुत ही अच्छी रहती है। दोस्तों इन सब का इस्तेमाल कीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आपके बालों में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो इन सभी को ये बहुत ही अच्छे से दूर करते हैं। अब मिलते हैं हमारा थर्ड प्लांट जो कि है हिबिस्कस। दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है हमारा हिबिस्कस। तो आप हिबिस्कस के जो फूल देख रहे हैं ना, कोई भी हिबिस्कस ले सकते हैं, मतलब घना वाला या कोई भी वाला, कोई भी हिबिस्कस ले सकते हैं, कोई भी गुड़हल का फूल ले लीजिए और इसे कोकोनट ऑयल में पका लीजिए और कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के भी यूज़ कर लीजिए। और एक और प्लांट मैं बताऊंगी जो कि है मेथी के दाने, मेथी शीट। अगर आप मेथी का प्लांट लगाते हैं तो उसे मेथी शीट ज़रूर हार्वेस्ट कर लीजिए और वो भी बहुत ही अच्छा रहता है हमारे हेयर के लिए। तो यही कुछ दोस्तों प्लांट हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं हेयर मास्क के रूप में और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। हिबिस्कस को यूज़ करने से आपके हेयर में शाइन आ जाता है, आपके बाल मजबूत बनते हैं और घना तो ज़रूर बना देता है ये, और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम को भी ये चुटकियों में हटा देता है। तो कुछ ये प्लांट ज़रूर ऐड कीजिएगा और गुड़हल तो शायद सभी के घर में पाया जाता है, तो इसे आप इसके फ़ायदे ज़रूर उठाइए। दोस्तों अब बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा के तो फ़ायदे आप सभी जानते होंगे। दोस्तों इसमें फैटी एसिड पाया जाता है और अमीनो एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन ई भी पाया जाता है जो कि हमारे जो स्किन में सनबर्न हो जाता है ना, इतनी तेज़ धूप में सनबर्न किसी को ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपके सनबर्न हो जाता है ना तो आप इसको यूज़ कीजिए, आपके सनबर्न चुटकियों में दूर हो जाएगा और ये स्किन के और साथ ही साथ हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और तो बहुत ही इजीली लग जाता है प्लांट, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। साथ ही साथ इसमें बेबी प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल आते हैं और इतनी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को, तो ये प्लांट ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में।
यही थे कुछ ऐसे प्लांट जो हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। कुछ का तो सेवन करने से भी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, जैसे कि एलोवेरा हो गया और तुलसी का प्लांट हो गया, ये सब हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपके टेरिस पे है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है आपके गार्डन में तो ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। और बहुत ही कम स्पेस में भी लग जाते हैं और नॉर्मल पॉट के साइज़ में भी आराम से ग्रो कर जाते हैं और ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये सब कटिंग से भी लग जाते हैं, कुछ बेबी प्लांट्स भी देते हैं, तो ये सब बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में 50 लाइक तो बनते ही हैं दोस्तों। तो अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस टारगेट को भी पूरा कर दीजिएगा और ये सब प्लांट ज़रूर लगाइएगा, और बहुत ही आपके गार्डन में भी सुंदर लगते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देते हैं और हमारी स्किन हेयर और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।